हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलिसब्लू। मैं हूं गोगोई और आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल और देखेंगे कहां पे एंट्री कर सकता है। तो आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल लास्ट 3900 का आसपास से हायर हाई बना के ऊपर जा रहा है, राइट। और यहां पे और एक बात देख सकते हैं, ये मूविंग एवरेज 50x सपोर्ट होके जा रहा है। आप देखा बाउंस, राइट। तो मुझे लगता है ये 50 मूविंग एवरेज के आसपास फिर से आएंगे तो मार्केट फिर से यहाँ से बाउंस होकर फिर से जाना ऊपर जा सकता है। तो अगर यहाँ पे आपको एंट्री पॉइंट मिला अराउंड 4055 ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे आप एंट्री करके थोड़ा नीचे आप एसएल लगा सकता है, जैसे 200 का नीचे भी एसएल लगा के, और टारगेट आप प्रीवियस जो हायर पॉइंट था उसका थोड़ा ऊपर भी लगा सकता है, तो उसका ट्रेडिंग रेशियो 1:1 रहेगा। तो आपको एंट्री करना है कहाँ पे, एक अराउंड 4050 का आसपास, क्योंकि यहाँ से एक सपोर्ट हमें मिला हुआ है। तो जैसे प्रीवियस यहाँ से सपोर्ट होके जा गया, राइट। तो अभी देख सकते हैं मार्केट जो ऊपर की तरफ चल रहा है, ये एक बाउंस होके जा रहा है, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ से बाउंस होके जा रहा है मार्केट, राइट, बाउंस बाउंस। सो यहाँ तो ऑलरेडी यहाँ पे छोटा टाइम फ्रेम में, जैसे आप 15 मिनट में देख सकते हैं, तो 15 मिनट में क्या हुआ, यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज में एक सपोर्ट लेके जा रहा है। तो अगर हमें एंट्री करना है, क्योंकि ये अप ट्रेंड ले रहा है 15 मिनट में, तो इसलिए हमें एंट्री करना है बाय डायरेक्शन में। सेल में जाना थोड़ा रिस्क हो सकता है। जब मार्केट नीचे आएगा और 50 आसपास, तो यहाँ से हम बाय करेंगे और नेक्स्ट टारगेट प्रीवियस हाई का आसपास रखेंगे, राइट। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।